से स्टार्ट किया था, फिर आगे किक बॉक्सिंग, थाई मार्शल आर्ट्स और मिलिट्री मार्शल आर्ट जो अब तक की सबसे स्ट्रीट फाइट है मार्शल आर्ट है जिसमें बॉक्सिंग और रेसलिंग मिक्सड है, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, क्योंकि जब भी रेप अटेम्प्ट होते हैं ऐसे केसेस होते हैं तो ग्राउंड टेक्निक्स में आपको वर्क करना चाहिए ज़्यादा, और स्ट्रीट फाइट में गर्दन दबोच ली, गर्दन पकड़ ली, दो जनों से आप फाइट कर रहे हो, तो सेल्फ डिफेंस में कैसे बचना होता है, मैनिपुलेट करके सेंसिटिव पार्ट्स पे हिट करके आपको भागना होता है। हम डेमो बताऊंगी भी और आप लोग मेरे साथ करेंगे भी। अगर आप पे कोई अटैक करता है स्टिक से या किसी चीज से, अब कैसे बचाना है? दिस इज द बेसिक स्टैमिना। हमको मालूम ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या स्टैमिना है, क्या कैपेसिटी है। अब मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई बट सिर्फ वर्बल बताया और अपने आप रिफ्लेक्सेस काम करे। हम लोग चार पंचेस सीख ले, दो बिटवीन टू लेग्स किक सीख ले और रिफ्लेक्सेस हमारे फास्ट है। रिफ्लेक्सेस भी हम लोग रिएक्ट ही नहीं कर पाते, लड़कियां यूं बचाती हैं अपने आप को, ऐसे नहीं बचाने आप लोगों को। जैसे अपनी पोस्चर, अगर हम लोग ये स्टांस लेके ये तुरंत बचाएं तो हमारा हाथ जल्दी जाएगा, इसलिए हम लोग ये बॉक्सिंग पंचेस सिखाते हैं, किक बॉक्सिंग पंचेस सिखाते हैं। वी डोंट टीच दिस वन। आप कोई बस में खड़ोगे इस थोड़ी मारेगी कोई लेडी साइड नहीं करेगी ना, तो दैट्स कुछ लोग ऐसे सिखा रहे हैं बट नो, इन कोई साड़ी में ऐसे नहीं करने वाला। तो दिस इज द परफेक्ट स्टांस कि आप तुरंत हिट करो या नोज पे हिट करो। ओके नाउ यू कम फॉर वन फॉर अ सेकंड। अब जो हमने टेक्निक प्रैक्टिस करी यू हैव टू अटैक जस्ट टैप, यू विल टैप ऑन हर हेड, टैप करना है। जल्दबाजी में आई हैव डमी वेपन्स, डमी नाइफ है वो मैं भूल गई हूं, तो यू हैव टू टैप एंड शी विल डिफेंड। ओके फ्रॉम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, दिस कैन बी अ नाइफ, ये नाइफ भी हो सकता है, स्टिक भी हो सकता है या खींच के लाफा भी हो सकता है। ओके रेडी वन मूव मूव आगे चलते जाओ, डाउन यस डिफेंस डिफेंस, क्रॉस की पड़ाओ मारने की, यस यस ओके। कल मुझे मीडिया वालों का फोन आ रहा था, एफएम वालों का, कि क्योंकि बिकॉज कल 16 दिसंबर थी, किसी को ध्यान है 16 दिसंबर क्या था? दामिनी वाला जो केस हुआ था दैट वाज ऑन 16 दिसंबर, जिसने पूरे इंडिया को ही नहीं पूरे और भी देशों को वर्ल्ड में हिला के रख दिया था। तो मुझसे पूछा गया कि क्या लगता है मैम आपको, क्या ये हमारा गर्ल्स का फॉल्ट है, क्या ये गर्ल्स का फॉल्ट है कि हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं या फिर ये चीज़ है? तो आप और कितना चेंजेस आया है मैं आपको बताती हूँ। 2012 में जब ये केस हुआ था और किसी को मालूम नहीं था कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है, कोई बोलता है हाँ कराटे सीखने जा रही हूँ मैं, जूडो सीखने जा रहा हूँ या फिर कुछ भी सीख, किसी को पता नहीं था कि सेफ्टी क्या होती है, सेल्फ डिफेंस क्या होती है। उस वक्त जो रेशो था, जो गर्ल्स सीखती थी, गर्ल्स जो ट्रेनिंग लेती थी सेल्फ डिफेंस या कराटे की, मतलब सेफ्टी के लिए या कुछ सीखती थी एज ए हॉबी, वो सिर्फ 15% था। कोई ऐसे हॉबी सीख रही, क्योंकि मार्शल आर्ट में अलग अलग रूप हैं, एक एज अ स्पोर्ट खेलो, एक एज अ सेल्फ डिफेंस, एक एज अ डेमोन्स्ट्रेशन टीम। डेमोन्स्ट्रेशन टीम आपने देखी होगी रियलिटी शोज में, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो लोग, तो वो रेशो था 15%। एंड आई एम टेलिंग यू राजस्थान में जहाँ तक मैंने कवर करा है हम लोगों ने, वो रेशो अब इतनी अवेयरनेस बढ़ी है, इतनी अवेयरनेस बढ़ी कि वो 15% से नाउ 60% गर्ल्स जो हैं इधर और मैं बता दूं मुझे ज़्यादा फोन बॉयज के आते हैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए नहीं वो बिकॉज दे आर, क्योंकि अब जो सुल्तान मूवी आई है उसमें मिक्स मार्शल आर्ट सिखाया है, और क्योंकि एक एनर्जी है जो डाइवर्ट होती है। दूसरी बात, वी ऑल विल बी डूइंग नाइट शिफ्ट में काम करेंगे कॉल सेंटर्स में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, तो उसके बाद से जब से जिन जिन की भी नाइट शिफ्ट लगती है सबके कॉल आते हैं मुझे कि मैम हमें सीखना है, आप एटलीस्ट हमें बेसिक 2-3 मंथ्स आप सिखाएं, एटलीस्ट हमें सीखना है, क्योंकि एटलीस्ट खुद की सेफ्टी तो होनी चाहिए। इससे क्या कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, और अगर उसको आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं और कहीं आगे इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है। ओके
तो सेल्फ डिफेंस की बात आ रही है, सेल्फ डिफेंस वी हैव लाइक 60% चेंजेस आए हैं. और मैं ये नहीं मानती कि टोटली गर्ल्स का फॉल्ट होता है इन सब चीज़ों में, जस्ट मेंस सारे खराब हैं ऐसा नहीं है, मेंटेलिटी खराब है, लोग खराब नहीं है, मेंटेलिटी खराब है. इनफैक्ट हम तो ये स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर एक से अगर हम गर्ल्स को सेशन दे रहे हैं 10 डेज का या 5 डेज का गर्ल्स को, तो एक सेशन रहेगा मेंस के लिए, बॉयज़ के लिए, ताकि वो सीखें कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, क्या सही है और क्या गलत है. ये सेशन भी होना चाहिए. हम लोग हर चीज़ में अब क्या है, अब जब सोसाइटी की बात आती है, सोसाइटी जो है कुछ और बोलता है, फैमिली कुछ और बोलती है. व्हेन आई मेट किरण बेदी वंस इन दिल्ली, शी सेड, उनका मैंने ध्यान से सुना था लेक्चर, शी सेड कि फॉल्ट कहाँ होता है, परवरिश में. अगर वहीं से सिखाया जाएगा कि ये सही है, और मतलब अगर एक गर्ल्स को तो बोलते हैं कि नहीं तू घर में बैठेगी, तू स्कूल में पढ़, तू अच्छे स्कूल में जा, CBSE में जा, तुम राजस्थान बोर्ड में, तो ये भेदभाव क्यों? ये चीज़ें हैं जो आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है. ओके, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस टेक्निक पे. कॉमन टेक्निक्स जब देखोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, चलो हम और कुछ नहीं कर सके पर ये तो कर ही सकते हैं. क्या होता है, कोई भी अटैक आपके सामने से आ रहा है, अब स्ट्रीट फाइट में क्या होता है, आपकी गर्दन पकड़ ली, पीछे धक्का दे दिया, दीवार भी हो सकती है, या आप गिर जाओगे नीचे, पीछे धक्का दे दिया, एक हाथ से पकड़ लिया, या फिर एक ऐसी चीज़ जो आपको सांस नहीं लेने देता है, आपको घसीटा भी जा सकता है वैन की तरफ कहीं पे भी. तो एक कॉमन चीज़, ऐसे तो टेक्निक बहुत सारी है, बट एक कॉमन जो आप इजीली कोई भी कर सकता है, दिस इज द सांस, यू कैन डू दिस, आई एम नॉट गेटिंग, ये इजी है, जैसे आपको लगे वापस आ रहा. सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ खड़े होकर लड़ोगे, नो, आपको मैनिपुलेट करना है और वहां से बचना है.